हेलो गाइज, सब्सक्राइब चंद्रमणि आईएएस एकेडमी एंड हिट द बेल फॉर न्यू अपडेट्स। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऑन वेबसाइट ऑल्सो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 64वीं बीपीएससी निकालें तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। अक्सर हाँ, वीडियोस आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको कहा भी होगा, एक किताब और बीपीएससी पास, यानी एक किताब पढ़ो और बीपीएससी पास करो। उस किताब का मैं नाम ले लेता हूँ, तो उस किताब का नाम है लुसेंट। लुसेंट पढ़ो और पास कर जाओ। मैं ये नहीं कहता वो किताब अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी किताब है और हर स्टूडेंट के पास एक बुक तो होनी चाहिए, उसकी एक बुक्स होनी चाहिए वो। लेकिन उससे बीपीएससी क्या पास किया जा सकता है? क्या बीपीएससी का पीटी निकाला जा सकता है? 5 साल पहले का जमाना और था जब आप किसी भी पीसीएस को उससे निकाल सकते थे, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चंस घुमा रहे हैं, जहां लुसेंट फेल कर जा रहा है, फेल नहीं कर रहा है, फेल करना गलत होगा। आपको वो हर जगह सपोर्ट करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपका एग्जाम निकलवा देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? उससे आपका पूरा एग्जाम नहीं निकलेगा, आप उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, या बुक्स अगर आपको नहीं पढ़ने में मन लगता है तो फिर आप क्या करें। तो आपको सिर्फ लुसेंट से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अगर बुक्स की बात करें बीपीएससी के लिए, तो आपको सिर्फ पीटी नहीं निकालना, मेंस भी निकालना है। पीटी नहीं निकालना, मेंस भी निकालना है, तो कुछ किताब बेसिक होनी चाहिए। जैसे पहला एनसीईआरटी, आपके पास एटलीस्ट एनसीईआरटी 6 से लेकर 10th या 12th तक का होना चाहिए, जिसके अंदर आप हिस्ट्री भी करेंगे, आप ज्योग्राफी भी करेंगे। मेन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए तो होनी चाहिए, साइंस के लिए होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स हम इसके लिए जरूरी नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। बिपिन चंद्रा की बुक आती है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये बुक्स एक बार आप पढ़ सकते हैं। अगर ना मन करे तो स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम की किताब बहुत अच्छी है, उसको आप पढ़ें। ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से तो जरूर करें, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से जरूर करें, और उसके बाद महेश बर्णवाल से कर ले, महेश बर्णवाल की किताब बहुत अच्छी है, वहां से आप ज्योग्राफी कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए एकमेव, कहते हैं ना अहम एकम दूजा नास्ति, तो वही है, ये एकमात्र ऐसा किताब है जो आपको पॉलिटिक में एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए कुछ नहीं करना, जो भी करंट में आ रहा है उसको पढ़ना है। जैसे मान लो करंट में जीएसएलवी आ गया, तब देख लेंगे जीएसएलवी कैसे बनता है, उसके बूस्टर्स कहाँ है, क्रायोलॉजी की इंजन जो लगता है वो कहाँ लगता है, तो ये सब देखेंगे करंट में। साइंस टेक को करंट के साथ पढ़ना है। साइंस के लिए, सामान्य साइंस के लिए लुसेंट काफी है, लुसेंट का अगर सामान्य विज्ञान आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा है। करंट के लिए क्या करना है? करंट के लिए तो आप डेली करंट अफेयर्स में डालता हूं उसको देख लो, या जो वीकली जो एग्जाम के पहले कोई भी करंट अफेयर्स का बुक आता है आप उसको देख सकते हैं, करंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहना था, महेश बर्णवाल है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हाँ एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए क्या करना है, 12 के साइंस की बुक आती है, उसके पीछे का छह चैप्टर, हाँ पीछे का 6 चैप्टर आप उसको पढ़ लो, आपके एनवायरमेंट का इश्यू खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स टफ माना जाता है, लुसेंट में दिया हुआ थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इकोनॉमिक्स में बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी सारे करेंट होता है, कॉन्सेप्ट के बाद बाकी सारे करेंट होते हैं, तो आप इसको कर सकते हो, इसको तो मैं करवा दूंगा। एक और आता है, वो है मैप। मैप आप ओरिएंट लॉन्गमैन का खरीद लें, अगर आपके पास कोई है तो खरीदने की जरूरत नहीं, आप उसी में प्रैक्टिस करें, लेकिन किन्हीं को नया लेना है तो ओरिएंट लॉन्गमैन का बुक ले लें, ये बहुत अच्छी किताब है ओरिएंट लॉन्गमैन की। इससे मैप आपका क्लियर हो जाएगा, मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप बना के नहीं पूछे जाते हैं, पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैप से बहुत आसानी से आपके याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, वो चीजें आपको दिखने लगेंगी। तो ये बेसिक बुक्स है, ये होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इन बुक्स को पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ना तो पड़ेगा, मेंस देना तो पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात है, लेकिन अभी आपको लगता है पीटी में ना पढ़े, इसका जिस्ट आता है, जिस्ट आता है मतलब इसका कलेक्शन आता है, एनसीईआरटी का जिस्ट आता है, जिसमें पूरे एनसीईआरटी के बारे में फैक्ट्स दिया रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियोस डाल रहा हूं लगातार, आप उसको देखेंगे तब भी आपका बीपीएससी की तैयारी तो 64वीं की तो हो ही जाएगी। नहीं तो ये जो बुक्स लिस्ट है इसको आप करें, एक किताब पे भरोसा ना करें कि उस किताब को पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जो भी कहता है वो गलत कहता है, आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है,
एक बुक आपको सपोर्ट करेगा लेकिन आपको वो पास नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक बुक्स है, और अगर अभी आप ना पढ़े तो आप मेरे वीडियोस को देखें, मैं इसी से मैटर निकाल रहा हूँ और लगातार अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, और इनको अगर खरीद के पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। यही कहना था कि एक किताब और बीपीएससी पास वाला फॉर्मूला को भूल जाओ, नहीं होगा।